हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने अपने घरों में महफूज और खैर आफियत से रखे। वेलकम टू एमएस कलेक्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं व्यूवर्स, मैं हूं निशी शेख। आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक है। आज की मेरी वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे नेल आर्ट्स के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइंस और नेल्स के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी कलेक्शन। आप लोग अपनी ईद पे या कहीं फंक्शन पे, एक पार्टी वगैरह पे किस तरह की नेल पेंट कैरी करें, किस तरह के डिज़ाइन कैरी करें, क्या इन है, किस तरह के नेल आर्ट आजकल चल रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए और देखने के लिए डिज़ाइन मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी डिज़ाइन आप लोगों से मिस ना हो, बगैर स्किप किए मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा व्यूवर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग ये जान सकें कि क्या इन है और क्या आउट है, क्या फैशन में है क्या फैशन में नहीं है। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, टिकटॉक पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग अपनी किसी तरह की फैशन से रिलेटेड कोई पोस्ट इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या देखना चाहते हैं, आप लोगों को मेरे डिज़ाइन किस तरह के लगे हैं, ये अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, कलर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आजकल किस तरह के कलर कम्बिनेशन चल रहे हैं ये आप लोग देख सकते हैं, किस तरह के जो है आप लोग कलर कम्बिनेशन करना चाहते हैं वो भी आप लोग बासानी देख सकते हैं। लाइट और डार्क कलर का जो है किस तरह जो है वो कंपैरिजन किया गया है, लाइट और डार्क कलर को किस तरह मैच किया गया है, किस तरह के स्टोन्स का यूज़ किया गया है, किस तरह के स्टाइल आजकल इन है, कौन से टैटूज बनाए गए हैं, ये सब कुछ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कुछ अच्छी ईद के हवाले से। ईद आ रही है और ईद के बाद शादियों के सीज़न है, तो नेल आर्ट के अलावा, तो नेल आर्ट के बगैर और नेल पेंट के बगैर तो हाथ भी सुने सुने से रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से डिज़ाइन हैं, आप लोग बहुत आसानी इनको कैरी कर सकते हैं। तो बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को कौन से कलर अच्छे लग रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मैट कलर आजकल नेल पेंट्स में चल रहे हैं, ग्लिटर्स का यूज़ आप लोग किस तरह कर सकते हैं, इसके अलावा किस कलर से आप लोग किस तरह की कलर स्कीमिंग बना सकते हैं ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मज़ीद आप किस तरह के जो हैं वो फ्लावर एडिटिंग कर सकते हैं, अगर आप लोग सिंपल नेल कलर कैरी कर रहे हैं तो उसको आप किस तरह से कैरी करेंगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये टाइगर की जो है वो बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप लोग छोटी छोटी बटरफ्लाई लगा सकते हैं, स्टोन्स के साथ लगा सकते हैं, वाइटनर के साथ आप लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना लगा सकते हैं। इसके अलावा बने बनाए नए आर्ट की जो है वो पूरी की पूरी एक स्टिक मिलती है, आप लोग वो ला के उसमें से नए आर्ट कैरी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसके अलावा नेल पेंट्स को आप लोग डिफरेंट टाइप के नेल पेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, उससे आप लोग जो है बना सकते हैं, ब्रशेस की मदद से आप लोग नेल आर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी वे है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कि कौन से डिज़ाइन इन हैं और कौन से आउट हैं, और आप लोग बहुत आसानी इस तरह के डिज़ाइन को कैरी कर सकें। इसके अलावा व्यूअर्स, आप लोग जो हैं नेल आर्ट स्टिकर्स मिलते हैं, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं, वो ला कर आप लोग नेल पेंट लगाकर उसके ऊपर उस तरह स्टिकर्स को कैरी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप लोगों को कौन सा डिज़ाइन पसंद है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कलर स्कीमिंग आप लोगों को किस तरह की लगी, मैट कलर्स हैं, पिंक कलर बहुत ही ज़्यादा इन है, पिंक कलर में शेड कौन कौन से ज़्यादा इन है, यूज़ कौन से कलर किए जाते हैं, ये भी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके अलावा वाइट कलर जो कि हर ड्रेस के साथ आप लोग कैरी कर सकते हैं और नेल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप वाइट कलर के साथ किस तरह के जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं नेल्स पे। इसके अलावा भी बस एक इन्फॉर्मेटिव बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों के हाथ का कलर या हाथ की जो स्किन टोन है वो थोड़ी डार्क है, तो आप लोग लाइट कलर्स का यूज़ किया करें, क्योंकि जब आप लाइट कलर की नेल पेंट लगाते हैं तो वो आपके हाथ को जो है वो ब्राइट शो करता है, ब्राइट नज़र आते हैं। लेकिन जब आपके हाथ अगर डल हैं, आपका कलर थोड़ा डार्क टोन में है और आप उसके ऊपर डार्क ही कलर लगाते हैं, तो वो और मज़ीद डल लगना शुरू हो जाता है, तो आप लाइट कलर का यूज़ किया करें। इसीलिए मोस्टली आप लोगों ने देखा है कि तमाम के तमाम जितने भी जो है नेल आर्ट्स हैं वो लाइट कलर पे हैं, इसी वजह से कि आपके हाथ जो हैं वो मज़ीद खूबसूरत लगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो, मेरे आज के डिज़ाइंस, मेरी आज की नेल पेंट कलेक्शन, नेल आर्ट कलेक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।
और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आप लोग इनमें से कौन सा डिज़ाइन फॉलो करते हैं, आप लोगों को कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मज़ीद आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थी मेरी आज की डिज़ाइन। आई होप मेरी आज की वीडियो, मेरे आज के डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।